संजय नाम का स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे ईमेल भी किया था पर्सनली, और दूसरा इन्होंने कमेंट के नीचे भी लिखा था, बोल रहे थे कि बीए की क्या क्राइटेरिया है पास होने का, कितने नंबर, मतलब कितने पेपर होते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं, कैसे पास होना होता है, सारी चीजें बताने के लिए उन्होंने बोला था बीए के बारे में। तो अभी फिलहाल जो है मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाने के लिए विथ प्रूफ यहाँ पर मार्कशीट लेकर आया हूँ। ये 3 मार्कशीट है मेरे पास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। वीडियो में बने रहना, आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए एक मार्कशीट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो है बीए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जब आप प्रवेश करेंगे, जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो एक तो यहाँ पर देखिए इसने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी है, और इस एजुकेशन ले रखी है, हिस्ट्री ले रखी है, और पॉलिटिकल साइंस ले रखी है। यहाँ पर देखिए ये इसके जो यहाँ पर पेपर हुए हैं, वो पेपर की अगर बात करूँ मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के 2 पेपर हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, और एजुकेशन के 2 पेपर हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और हिस्ट्री के 2 पेपर हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और पॉलिटिकल के 2 पेपर हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो मतलब 2-2 पार्ट हैं सभी सब्जेक्ट के। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले पेपर के अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 75 नंबर का पहला पेपर है, जिसमें से 31 इन्हें मिले हैं, एंड सेकंड पेपर है जो है वो 75 का है, वो भी इसमें 36 मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल कितना हो गया, 67 हुआ, और वो भी दोनों का मिला के पेपर का, इस सब्जेक्ट का कितना हो गया 150। तो मतलब इंग्लिश का जो पेपर था वो 150 का था, जिसके 2 पेपर थे 75-75 नंबर के। एजुकेशन में भी सेम ऐसे ही है, 75 और 75 और 150, यानी कि 150 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो हिस्ट्री है इसका भी देखिए 150 है, और जो चौथा सब्जेक्ट है आपका उसका भी यहाँ पर 150 है। तो कुल मिला के 150, 150 और 150 और 150, यानी 300, 300, यानी 600 का यहाँ पर पूरा निकल के आता है, यानी 600 में से आपको मार्क्स लाने होते हैं टोटल। तो यहाँ पर देखिए 329 नंबर आए हैं 600 में से। तो ये तो बीए फर्स्ट ईयर की बात हो गई। तो बीए फर्स्ट ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों जो होते हैं पेपर वो 150-150 नंबर के होते हैं, और उन चारों में से जो भी पेपर होता है, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है तो उसके 2 पेपर हैं, तो 75-75 नंबर के पेपर होते हैं। ये जो है ये ईयरली मोड वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेमेस्टर वालों की बात नहीं है, ये ईयरली मोड वाला है, ठीक है। और अब देखिए मैं सेकेंड ईयर की मार्कशीट यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय की, ये जो है सेकेंड ईयर की मार्कशीट है, तो सेकेंड ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल साइंस है चौथा सब्जेक्ट, उसका आपको कंपलसरी होता है पेपर सभी को देना सेकेंड ईयर में, तो इसलिए वहाँ पर एक और आपका ऐड हो जाता है इन्वायरमेंटल साइंस। तो फिलहाल जो होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आपका एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप लेंगे सब्जेक्ट वो होंगे आपके, ठीक है। ये भी यहाँ पर सेम 150, 150, 150 नंबर के, यानी 150, 150, 150 में से आपको नंबर लाने होते हैं। तो यानी टोटल कितना हो गया, 450 में से आपको मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस टोटल भी यहाँ पर दिखाएगा, जो फर्स्ट ईयर में 329 नंबर मिले थे 600 में से, और जो करंट ईयर टोटल है वो भी यहां पर भी दिखाएगा, 450 में से 267 नंबर यहां पर में मिले हुए हैं। तो ग्रांड टोटल यहां पर दिखा दिया इन दोनों का ऐड करके, यानी 1050 में से 596 नंबर मिले हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल साइंस में जो पेपर होता है वो 50 नंबर का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, ओमार शीट में आपको भरना होता है, और इसमें खाली पास होना होता है आपको, ठीक है। एक ग्रेड मिलती है इसमें, ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, ठीक है। तो इसमें केवल आपको क्या होना होता है, पास होना होता है। तो इसमें आपको पास होना होता है, और अगर सपोज करो एनवायरमेंटल का साइंस का पेपर आप जो है सेकंड ईयर में नहीं देते हैं, तो आपको थर्ड ईयर में देना पड़ेगा। जब तक आप इसे नहीं देंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये जो है सेकंड ईयर की मार्कशीट हो गई, सेकंड ईयर का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर के मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड ईयर में देखिए, थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है इसमें देखिए आपके पास फिर से 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने सेकंड ईयर में नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर थर्ड ईयर में एनवायरमेंटल साइंस का पेपर देना पड़ेगा। जो आपका पिछला मैंने अभी जो मार्कशीट दिखाई थी उसमें एनवायरमेंटल के साइंस में अब्सेंट था बच्चा, इसलिए उसे थर्ड ईयर में पेपर देना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन का फिर से वही 150 नंबर का, हिस्ट्री का फिर से 150 नंबर का, पॉलिटिकल का फिर से 150 नंबर का, तो यानी 150-150 नंबर के यहाँ पर फिर से हैं। तो यानी 450 में से 255 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल साइंस का इसने थर्ड ईयर में पेपर दिया था, जिसमें से 50 में से 28 नंबर आए थे, वी ग्रेड मिली थी। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें देखी होंगी, देखिए फर्स्ट ईयर के मार्क्स देखें 329-600 में से, सेकंड ईयर के मार्क्स देखें 450 में से 267, उसके अलावा जो करंट ईयर है यानी थर्ड ईयर है उसके भी 255 देखें 450 में से। अब ग्रांड टोटल की बात करें
देखिए प्रीवियस जो टोटल हो गया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मिला 596,150 में से, और जो तीनों का मिला के हो गया वो 1500 में से 851 नंबर आया, यानी 1500 का ग्रांट टोटल आएगा। तो इस तरीके से सारा कन्वर्जन होता है मार्किंग का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर सारा सब कुछ करना होता है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट जैसे फर्स्ट ईयर में थे दो पेपर, वैसे यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकेंड पेपर, फर्स्ट सेकेंड पेपर, फर्स्ट और सेकेंड पेपर, यानी दो दो बुक्स हैं, ठीक है। तो ये जो था ईयरली मोड वालों का था। और अगर आपको और भी कोई डाउट है, अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, तो उस पर भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।